सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। सिंपल ओवेरियन सिस्ट क्या होती है और ये अक्सर लोगों को तब पता लगता है जब कोई फीमेल अपना अल्ट्रासाउंड करवाती है और अल्ट्रासाउंड करवाने पर उन्हें लेफ्ट ओवेरियन सिंपल सिस्ट या फिर राइट ओवेरियन सिंपल सिस्ट ऐसे कुछ कर कर उनका डायग्नोज होता है। तो ये एक्चुअल होती क्या है, इसके बनने का क्या कारण होता है और इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या ऑपरेशन ही इसका इलाज है, क्या ऑपरेशन करके ये निकलवानी सही रहती है या फिर आपको दूसरी प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं और क्या ये मेडिसिन से निकल सकती है। तो गाइज ये सब टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइज, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सनी कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है सिंपल ओवेरियन सिस्ट या जिसे हिंदी में पानी वाली रसौली या फिर फंक्शनल सिस्ट के नाम से जाना जाता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके बनने के क्या क्या कारण होते हैं और इसके कौन कौन से साइन और सिम्टम्स आपको महसूस होंगे, साथ ही इसका एक अच्छा सा मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊँगा। तो गाइज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इन टू इट। तो गाइस सबसे पहले तो ओवरियन सिस्ट को जाने से पहले आपको ओवरी के बारे में कुछ प्रकार की बातों का पता होना चाहिए। तो पहले तो हम सबसे पहले ओवरी के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस जो ओवरी होती है ये फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन होती है, मतलब कि प्रजनन तंत्र है उसका ये एक अंग होता है। और गाइज हर फीमेल्स के अंदर दो ओवरीज होती हैं, मतलब कि हिंदी में कहूँ तो दो अंडाशय मतलब कि अंडेदानी होती हैं। और एक डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो अंडेदानी बच्चेदानी, ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं ये यूट्रस होता है जिसे गर्भाशय या बच्चेदानी आप कह सकते हैं। और साइड में ये जो आपको संरचना दिख रही है यही ओवरी होती है, मतलब कि अंडाशय होता है। और जो ये ट्यूब्स इनको जोड़ रही है गर्भाशय को और अंडेदानी को, इसे फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो गाइज ये स्ट्रक्चर होता है फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, तो ओवरी का काम क्या होता है, ये इतनी ज़रूरी क्यों होती है? तो गाइज जो ओवरी है ये इस्टाडायोल या फिर आप इसे इस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं, साथ ही ये प्रोगेस्टेरोन हार्मोन को भी बनाती है। साथ ही ये अपने नाम के अनुसार, इसे हिंदी में अंडाशय बोलते हैं ना, तो मतलब कि ये अंडे को भी स्टोर करके रखती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उससे पहले ये हर महीने अंडे को बनाती है, ओवम को बनाती है फीमेल्स के अंदर। और यहाँ पर आप एक बात को और भी समझ लें कि अंडा कैसे बनता है और कहाँ बनता है। तो अंडा अंडेदानी के अंदर मतलब कि ओवरी के अंदर बनता है, लेकिन वहाँ पर कुछ पाउच होते हैं जिसे ग्रेफिन फॉलिकल्स बोलते हैं। इस पाउच के अंदर ही अंडा रहता है और इसके अंदर फ्लूड होता है जिसके अंदर अंडा तैरता है। लेकिन ये पाउच भी काफ़ी सारे होते हैं, मतलब कि काफ़ी सारे अंडे होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक अंडा ही ऐसा होता है जो कि मैच्योर होता है, विकसित होता है। और जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है तब ये फॉलिकल को रैप्चर कर देता है, मतलब कि उसको फाड़ कर बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस तक जाता है। अगर ये फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म के साथ, मतलब कि जो मेल का शुक्राणु है उसके साथ अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता तो ये यूट्रस तक जाता है और फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। लेकिन अगर ये शुक्राणु के साथ फर्टिलाइज हो जाता है तो फीमेल्स को पीरियड्स मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता और जो नाइन्थ मंथ की जर्नी होती है बेबी को डेवलप होने की वो शुरू हो जाती है। तो नॉर्मली तो देखिए यही साइकिल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ओवरियन सिस्ट, जो सिंपल ओवरियन सिस्ट है आज का हमारा टॉपिक, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज देखिए यहाँ पर जो ग्रेफिन फॉलिकल्स है उसने अंडे को रखा हुआ है अपने अंदर, ठीक है, लेकिन किसी कारण से हार्मोन्स इनबैलेंस हो चुका है या फिर किसी भी कारण से अगर वो अंडा ग्रेफिन फॉलिकल्स को रैप्चर नहीं करता, उससे बाहर नहीं निकलता,
तो ग्रेफिन फॉलिकल्स का काम अंडे को विकसित करना है, उसको पालना है, और वो उसको न्यूट्रिशंस देता रहेगा और अंडा जो है बड़ा होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 21 से 35 दिन का होता है, लेकिन अगर वो अंडा रैप्चर नहीं करता ग्रेफिन फॉलिकल को और अंडा वहीं पर विकसित होता रहता है, विकसित इतना हो जाता है कि उसका जो आकार है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, तब फीमेल्स को कुछ साइन और सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे लोअर बैक पेन, लोअर एब्डोमन पेन, या फिर ब्लाउटिंग मतलब कि पेट का फूला फूला होना, नोजिया, वोमिटिंग, और मेंसिस का ना आना, या फिर मेंसिस का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका बहुत ही जल्दी आना, और हैवी ब्लीडिंग होना या बहुत ही कम ब्लीडिंग होना, ऐसे कुछ साइन और सिम्टम्स महसूस होते हैं। ये उसी के कारण है जो कि अंडा रिलीज नहीं हुआ, अंडा वहाँ पर विकसित है, ये सब उसी के साइन और सिम्टम्स हैं। इन साइन और सिम्टम्स के कारण जब भी आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तब अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर पानी जैसी संरचना मिलती है, इसी को पानी वाली रसौली या फिर सिंपल ओवेरियन सिस्ट कहा जाता है। और क्योंकि अगर लेफ्ट साइड की ओवरी में ये प्रॉब्लम है तो लेफ्ट सिंपल ओवेरियन सिस्ट, या राइट साइड की ओवरी में ये प्रॉब्लम है तो इसे राइट ओवेरियन सिस्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है जब अंडा तो रिलीज हो जाता है लेकिन उसके अंदर का जो फ्लूड है वो बाहर नहीं निकलता, ऐसी कंडीशन को भी आप सिंपल ओवेरियन सिस्ट कह सकते हैं, मतलब कि पानी वाली रसौली बोल सकते हैं। यहाँ पर सवाल आता है कि क्या आपको ऑपरेशन कराना चाहिए, तो गाइस देखिए ऑपरेशन तब कराना सेफ है अगर आपको लगता है कि आपकी ओवरी के अंदर कैंसर जैसे तत्व मिले हैं। एक टेस्ट आता है CA125 करके, आप उसको टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर जो भी डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कर रहा है तो अल्ट्रासाउंड करते टाइम अगर जो फॉलिकल्स हैं उसके अंदर आपको पानी जैसी संरचना ना मिलकर कुछ अलग तरह के मटेरियल्स मिलते हैं, तब भी वो आपको बता देगा कि आपको ऐसी प्रॉब्लम है, और फिर आपको CA125 करके, या बहुत सारे टेस्ट हैं, आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको बहुत सारे टेस्ट बता देंगे, तो आपको तब ओवरी को निकलवाना चाहिए, मतलब कि ऑपरेशन कराना चाहिए। और ऑपरेशन में सिस्ट नहीं निकाली जाती, पूरी की पूरी ओवरी निकाली जाती है, तो आपको सिर्फ सीए के केस में मतलब कि कैंसर के होने पर ही आपको ओवरी को निकलवाना चाहिए। अब ऐसे में बात आती है तो फिर इसका क्या दूसरा इलाज है, क्या मेडिसिन से ये क्योर हो जाती है, तो गाइस बेशक ये मेडिसिन से क्योर हो जाती है। इसके लिए आपको कुछ हार्मोन थेरेपी दी जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बारी अंडा रैप्चर नहीं होता, तो ऐसे में डॉक्टर आपको प्रोगेस्टेरोन टैबलेट्स दे सकते हैं, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स भी दे सकते हैं, वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप हार्मोन थेरेपी को नहीं लेना चाहते तो आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है इस सिंपल ओवेरियन सिस्ट को ट्रीट करने के लिए। लेकिन गाइस कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हर फीमेल्स को कभी ना कभी ओवेरियन सिस्ट बनती ही है, और अधिकतर महिलाओं को जो ओवेरियन सिस्ट बनती है वो अपने आप ठीक भी हो जाती है, 2-3 महीने में अपने आप ठीक हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर आपको कहते हैं कि एक बार आप अपना अल्ट्रासाउंड रिपीट जरूर करवा लें। ठीक है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह को जरूर माने, या फिर आप मेरे पे भरोसा करके आप मेरी सलाह माने, तो एक बार अगर आपको सिंपल ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम आई है तो आप 2 या 3 महीने बाद भी एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं। लेकिन अगर आपको फिर भी वही प्रॉब्लम बनी रहती है, या आपकी जो सिस्ट है उसका साइज़ कम नहीं होता, तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और अब मैं आपको होम्योपैथी का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट बताता हूँ। अगर आप उस ट्रीटमेंट को 1.5 से 3 महीने तक लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सिंपल ओवेरियन सिस्ट होगी वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी और आप फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। तो गाइज मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो गाइस सिंपल ओवेरियन सिस्ट की जो पहली मेडिसिन है वो है डॉक्टर रिकवे की R39।
इसकी आपने 15 बूंदे एक चौथाई कप जो कि गर्म होना चाहिए पानी उसका, उसके अंदर आपने 15 बूंदे डालनी है और सिप सिप करके आपने दिन में 3 बार ये मेडिसिन पीनी है। दूसरी मेडिसिन है गाइस थूजा 200 और इसकी आपने 2 बूंदे सुबह खाली पेट और 2 बूंदे रात को खाली पेट आपने सीधा ही अपने मुँह पर डालनी है। और गाइस जो तीसरी मेडिसिन है वो है कैल्केरिया फ्लोर 6x जिसकी आपने 6 टैबलेट दिन में 3 बार चूसनी है। और गाइस जो फोर्थ मेडिसिन है वो है एपिस्मेल और साथ ही आपने अपनी बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेट रखना है। गाइस तो ये 4 तरह की मेडिसिन है और अगर आप इसे कंटिन्यूसली 1.5 से 3 महीने तक लेते हैं तो आपकी किसी भी तरह की कोई भी सिंपल ओवेरियन सिस्ट होगी वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी और आप एक बार फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। तो गाइस आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफी यूजफुल होगी। और गाइस साथ ही जब ये आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो जो आपको साइन ऑफ सिम्टम्स महसूस हो रहे थे ना, बैक पेन का, एब्डोमन पेन, नोजिया, वोमिटिंग, ये भी आपको तीसरे और चौथे दिन से साइन ऑफ सिम्टम्स कम होते हुए नजर आएंगे। ठीक है गाइस, तो जब भी आपको इस मेडिसिन से फ़ायदा हो या फिर आपकी जो ओवेरियन सिस्ट है वो डिसॉल्व हो जाए तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कर लें ताकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आपके कमेंट्स को पढ़कर इस मेडिसिन का लाभ उठा सकें। तो गाइज आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो गाइज़ ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ और टॉपिक्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही गाइस दूसरों की हेल्प के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि लोगों को भी इस मेडिसिन का ज़्यादा से ज़्यादा पता लग सके, साथ ही वो इस मेडिसिन का लाभ उठा सकें। तो गाइस मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, stay fit.